जानेंगे आज के इस टॉपिक में। सबसे पहले गाइडेंस काउंसलिंग होती क्या है उसके बारे में मैं आपको डिफाइन करूँगी। दूसरा मेरा जो टॉपिक है वो है कि आज जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का टॉपिक है उसको मैं सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस को आज के टॉपिक में डिफाइन करने वाली हूँ कि गाइडेंस की डेफिनेशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, पर्पज क्या है, स्कोप क्या है, प्रिंसिपल एंड उसकी नीड क्या है, हमें गाइडेंस की जरूरत क्यों पड़ी, गाइडेंस किस लिए दी जाती है, या गाइडेंस की कौन कौन से टाइप्स हैं, या गाइडेंस के लिए हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या उसकी स्कोप हो सकती है, आगे उसको हमें जानने के लिए हम गाइडेंस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले गाइडेंस क्या होती है उसकी डेफिनेशन। गाइडेंस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन द मैक्सिमम ऑफ देयर कैपेसिटी इन द डायरेक्शन मोस्ट बेनिफिशियल टू हिमसेल्फ एंड सोसाइटी। सबसे पहले आप गाइडेंस वर्ड से समझते क्या हैं। हम जनरली रूटीन लाइफ में गाइडेंस वर्ड का यूज़ करते हैं कि वो उसे गाइड कर रहा है या हम उसको गाइड कर रहे हैं। गाइड कर रहे हैं मतलब हम उसको सजेशन दे रहे हैं, हम उसको सलाह दे रहे हैं, हम उसको एक डायरेक्शन दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, हम उसको मतलब उसके नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल को हम गाइड कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल को हम गाइड कर रहे हैं। दोबारा से यहाँ से सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि गाइडेंस वर्ड क्या है। हम जनरल रूटीन लाइफ में गाइडेंस वर्ड का यूज़ करते हैं कि वो मुझे गाइड कर रहा है या मैंने उसे गाइड किया है, तो इस वर्ड का यूज़ हम क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं और क्या इसके पीछे का कारण है। तो सबसे पहले गाइडेंस, गाइडेंस मतलब किसी को डायरेक्शन देना, किसी को उसके जो वर्क है उसके लिए मोटिवेट करना, या किसी को अच्छी सजेशन देना, या उसको किसी सोसाइटी में उसकी आइडेंटिटी बनाने के लिए या खुद की आइडेंटिटी को बनाने के लिए हम गाइडेंस का यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड हम गाइडेंस वर्ड इसीलिए यूज़ करते हैं। गाइडेंस की जो मोर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो है गाइडेंस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, हेल्पिंग द इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन द मैक्सिमम ऑफ देयर कैपेसिटी। ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हेल्प करता है और मैक्सिमम देयर कैपेसिटी इन द डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन देने के लिए मोस्ट बेनिफिशियल टू हिमसेल्फ एंड सोसाइटी। और गाइडेंस जो है वो सोसाइटी और उसके खुद के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये है गाइडेंस की डेफिनेशन। दूसरे वर्ड्स में हम गाइडेंस की डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहें तो उसकी डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे कि गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल की हेल्प करने के लिए हम गाइडेंस वर्ड का यूज़ करते हैं। थ्रू हिज अवन एफर्ट एंड डिस्कवर एंड डेवलप हिज पोटेंशियलिटी, मतलब किसी व्यक्ति की पोटेंशियल क्या है, उसकी इंटेलिजेंस क्या है, वो कितना उसको किसी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए या किसी की थिंकिंग को डेवलप करने के लिए हम गाइडेंस वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर हिज पर्सनल हैप्पीनेस अ सोशल यूजफुलनेस, और उसकी पर्सनल हैप्पीनेस के लिए और सोशली यूजफुलनेस के लिए हम गाइडेंस वर्ड का यूज़ करते हैं। दूसरा हम जो पॉइंट आएगा वो है गाइडेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गाइडेंस के गुण क्या क्या हैं, किस लिए हम गाइडेंस वर्ड का यूज़ हमने किया है। टू हेल्प एवरी इंडिविजुअल टू हेल्प हिमसेल्फ, खुद की मदद करने के लिए और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए हम गाइडेंस वर्ड का यूज़ करते हैं, गाइडेंस का यूज़ करते हैं। गाइडेंस हैज़ टू बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट लाइफ साइकिल एंड इंडिविजुअल लाइक अर्ली चाइल्डहुड, मतलब गाइडेंस का जो यूज़ है वो हम इंडिविजुअली से लेकर के चाइल्डहुड, एडल्ट और ओल्ड एज तक के लोगों के लिए भी कर सकते हैं गाइडेंस का यूज़। उसके लिए गाइडेंस इज इंडिविजुअलाइज एजुकेशन, ये एक इंडिविजुअल एजुकेशन है, मतलब आप पर्टिकुलर एक सिंगल व्यक्ति को भी एजुकेशन दे सकते हैं, ग्रुप में भी एजुकेशन दे सकते हैं, ये चीज़। दूसरा, गाइडेंस कवर्स द होल एरिया ऑफ इंडिविजुअल प्रॉब्लम, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को कवर करता है और उसे एक डायरेक्शन देता है। इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन सेल्फ डायरेक्शन, मतलब इंडिविजुअल को उसकी डायरेक्शन देने के लिए उसको प्रमोट करता है गाइडेंस। दूसरा है, इट इज़ नॉट ओनली अ जनरलाइज सर्विस बट इट इज़ ऑल्सो अ स्पेशलाइज सर्विस, ये सिर्फ और सिर्फ जनरलाइज सर्विस नहीं है बल्कि एक स्पेशलाइज सर्विस भी है। जनरलाइज सर्विस का मीन से हम क्या समझते हैं कि एवरीवन, जैसे टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, या एडवाइज़र हो गए, डीन्स हो गए, ये सब इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जनरलाइज वर्ड इसीलिए यूज़ करते हैं हम यहाँ पे।
अगला कैरेक्टर है गाइडेंस शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन एवर अ यूजफुल और न्यू एक्टिविटी इज टू बी लर्न। मतलब गाइडेंस वर्ड का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं या कोई नई एक्टिविटी करते हैं, तो उसके लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। मान लो हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हम किसी गेम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें किसी गाइड की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ भी हम गाइडेंस का यूज़ करते हैं। गाइडेंस डायरेक्ट द इंडिविजुअल एंड स्टूडेंट अबाउट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसर्न ऑफ द थिंग्स। मतलब गाइडेंस होती है वो स्टूडेंट को उसकी प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर लाइफ के लिए भी यूजफुल होती है। गाइडेंस इज अ सिस्टमिक ऑर्गेनाइज्ड फेज ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। गाइडेंस जो एजुकेशन के अंदर या एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर एक सिस्टमिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है जिसके अंदर पर्सनल एक्सपीरियंस काम में आता है एंड मेकिंग हिज ओन यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी और एक अपना कंट्रीब्यूशन देता है सोसाइटी के अंदर, एक यूनिक कंट्रीब्यूशन, एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है गाइडेंस के थ्रू। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है, तीसरा जो गाइडेंस के टाइप्स क्या क्या है। गाइडेंस है वो बहुत टाइप की होती है, जैसे पर्सनल गाइडेंस हो गई, एजुकेशनल गाइडेंस हो गई, वोकेशनल गाइडेंस हो गई, सोशल गाइडेंस हो गई और हेल्थ हो गई। सबसे पहले हम इतने टाइप्स के अंदर गाइडेंस के हम मेनली दो या तीन टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे, तो उसमें हम मेनली एक तो एजुकेशनल गाइडेंस को डिस्क्राइब करेंगे, दूसरा हम करेंगे वोकेशनल गाइडेंस को, तीसरा हम करेंगे पर्सनल गाइडेंस को। एजुकेशनल गाइडेंस से क्या समझते हैं, एजुकेशनल गाइडेंस हमें कहाँ दी जाती है, टीचर्स के थ्रू स्टूडेंट को दी जाती है, तो वहाँ एजुकेशनल गाइडेंस का यूज़ हम करते हैं। इसके पर्पज क्या हो सकते हैं, ये क्यों दी जाती है, एक तो स्टूडेंट्स की सारी कमियों को दूर करने के लिए या स्टूडेंट्स के अंदर इंटेलिजेंसी या स्किल्स को डेवलप करने के लिए या उस किसी सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए या उसकी फेलियर को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसकी स्टडी के अंदर जो स्पेसिफिक डेफिशिएंसी है उसको रिमूव करने के लिए हम एजुकेशनल गाइडेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा आता है वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस से मतलब क्या समझते हैं हम, कि ये जो टाइप है गाइडेंस का वो अपनी जॉब को चूज़ करने के लिए या फिर जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम वोकेशनल गाइडेंस वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके जो फॉलोइंग टाइप्स हैं, मतलब उसके जो टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं वोकेशनल गाइडेंस के, वो है एक तो इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकता है, पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट हो सकता है, एप्टीट्यूड हो सकता है, अचीवमेंट हो सकता है, स्कॉलिस्टिक हो सकता है, ये सारे इसके टेस्ट हो जाएंगे। तीसरा हम आते हैं तीसरे टाइप के पर्सनल। पर्सनल जो गाइडेंस होती है वो एजुकेशनल और वोकेशनल से अलग होती है। ये जो गाइडेंस होती है वो पर्सनल प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए दी जाती है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल फैमिली एंड होम प्रॉब्लम्स हो गई हमारे, या फिर हम हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम हो गई, या सोशल रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई, या फिजिकली डिसएबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल हो गया, मतलब कोई इंडिविजुअल है जो फिजिकल डिसएबल है, या फिर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम पर्सनल गाइडेंस वर्ड का यूज़ करते हैं या वहाँ पर हम पर्सनल गाइडेंस को यूज़ करते हैं। ये जो पर्सनल गाइडेंस टाइप है वो क्या है, उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कोऑपरेटिव गाइडेंस, पेरेंट्स की, टीचर्स की, कोवर्कर्स की, फ्रेंड्स की, इन सब की कोऑपरेशन से हम इस गाइडेंस को, इस उन सबकी कोऑपरेशन की गाइडेंस से ही हम इसे हैंडल करते हैं। तीसरा जो छठा पांचवा पॉइंट आता है वो है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है कि गाइडेंस के सम साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल है। इसके साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, गाइडेंस जो वर्ड है या गाइडेंस जो है वो एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब ये पूरी लाइफ चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, इसके लिए एज मायने नहीं रखती है। गाइडेंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम टीचिंग इन्वॉल्व गाइडेंस। गाइडेंस जो है वो हम टीचिंग के अंदर भी इन्वॉल्व करते हैं, एक एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर भी हम गाइडेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा, स्टडी द इंडिविजुअल एज होल मीन फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड मेंटल स्ट्रक्चर। किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंडिविजुअल की सोशल, इमोशनल स्ट्रक्चर या मेंटल स्ट्रक्चर्स का पता लगाने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए हम गाइडेंस का यूज़ करते हैं।
दिस इंडिविजुअल नीड कंटिन्यूस गाइडेंस प्रोसेस फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड थ्रू एडल्टहुड. ये प्रोसेस जो है वो चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड, एडल्टहुड से लेकर के ओल्ड एज तक चलता रहता है गाइडेंस पर. अब हम जो अगला पॉइंट आता है वो है गाइडेंस की स्कोप. स्कोप क्या क्या है कि गाइडेंस का यूज कहाँ कहाँ है या किस किस चीज़ पर हमें गाइडेंस यूज करनी पड़ती है. तो सिलेक्शन ऑफ एजुकेशनल कोर्स, किसी भी एजुकेशनल कोर्स को सेलेक्ट करने के लिए, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, किसी ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट करने के लिए, किसी जॉब को सेलेक्ट करने के लिए, स्टडी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के लिए, सोशल प्रॉब्लम्स के लिए, फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए या पर्सनल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम के लिए, इन सब के लिए यहाँ पर जो है वो गाइडेंस वर्ड या गाइडेंस का यूज़ हम करेंगे. गाइडेंस की नीड क्यों पड़ी? गाइडेंस की नीड इसलिए पड़ी कि यूटिलिस्टिक एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी का कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, हर इंडिविजुअल का एक अलग नेचर होता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए और ज़्यादा, इसके लिए हम गाइडेंस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे या गाइडेंस का इस्तेमाल करेंगे. वेलफेयर इन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, उसके बाद चेंज इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल जो पैटर्न है उसको चेंज करने के लिए गाइडेंस का यूज करेंगे. कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन एनर्जी, ह्यूमन की एनर्जी को कंजर्व करके रखता है ये. पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट करता है, पर्सनली भी ह्यूमन को डेवलप करेगा एंड सोशली भी डेवलप करता है गाइडेंस. गाइडेंस मीन यहाँ पर डिफाइन हो चुका है. अगला जो टॉपिक है वो है काउंसलिंग.